पिछले दिनों जियो का फोन लॉन्च होना था, लेकिन खबर छपी कि चिप की कमी के चलते फोन की डेट टाल दी गई है। ऐसा ही दुनिया की बड़ी कार कंपनियों के साथ भी हो रहा है। चिप की कमी की वजह से वो परेशान है और इसका असर उनके प्रोडक्शन पर पड़ रहा है, यानी भारत समेत पूरी दुनिया चिप सेमीकंडक्टर की कमी का सामना कर रही है। क्या है ये चिप का संकट और क्यों जरूरी है चिप का उपयोग, जानेंगे आज ज्ञान की डिजिटल दुनिया ध्येय रेडियो के इस पॉडकास्ट में। सेमीकंडक्टर चिप्स सिलिकॉन से बनाए जाते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है। इन चिप्स को माइक्रो सर्किट में फिट किया जाता है। इन्हीं से सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और कंपोनेंट्स को पावर मिलती है। प्रोडक्ट की कॉस्ट यानी उत्पाद की लागत का लगभग 30% भाग इसी सेमीकंडक्टर पर खर्च होता है। अब समझिए कि ये कितना जरूरी है। इसका इस्तेमाल आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, व्हीकल्स, स्मार्टफोन और दूसरे गैजेट बनाने में करते हैं। ये चिप्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, एडवांस वायरलेस नेटवर्क, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, 5G, ड्रोन, रोबोटिक्स, गेमिंग्स, यानी जहां आप नाम ले वहां पर ये टेक्नोलॉजी का एक अहम हिस्सा बन जाती है। इसके बिना तकनीक पूरी होती ही नहीं है। यानी सेमीकंडक्टर चिप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ साथ कंप्यूटर आधारित तमाम चीजों का एक आधार है। लेकिन दुनिया भर में इस समय सेमीकंडक्टर्स चिप की भारी कमी है और दुनिया भर में चिप सप्लाई का संकट छाया हुआ है। इस संकट की शुरुआत हुई थी साल 2020 में, जब कोविड-19 की महामारी ने पूरी दुनिया को अपने जद में लिया था। कई जगहों पर सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन उस समय रुक गया था। जब फिर वर्क फ्रॉम होम की संस्कृति चालू हुई तो उनकी मांग में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई, यानी डिमांड ज्यादा, प्रोडक्शन यूनिट ठप और सप्लाई कम। इस तरह लॉकडाउन में कार निर्माताओं ने भी कंप्यूटर चिप बनाने वाले कारखानों को बहुत कम ऑर्डर दिए, लेकिन बाद में जब इस बीमारी को देखते हुए अपने पर्सनल व्हीकल्स यानी कारों की मांग बढ़ी तो सेमीकंडक्टर चिप्स की सप्लाई करना मुश्किल हो गया। मांग और आपूर्ति के बीच बिल्कुल तालमेल नहीं रहा। पिछले कुछ महीनों में ये संकट और ज़्यादा गहरा गया। चिप सप्लाई शॉर्टेज की कमी से कम 170 इंडस्ट्रीज प्रभावित हुई हैं। इनमें स्मार्टफोन्स, डेटा सेंटर्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्ट डिवाइसेस, व्हीकल्स, अप्लायंसेस, लाइफ सेविंग फार्मास्यूटिकल डिवाइसेस, एग्री टेक्नोलॉजी, ATMs और न मालूम कितने तरह के प्रोडक्ट्स शामिल हैं। कंपनियों का कहना है कि स्थिति सामान्य होने से दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की मांग बढ़ी है और कंपनियों के लिए चिप संकट के कारण मांग पूरी करना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसी वजह से टीवी से लेकर स्मार्टफोन की कीमतों में तेजी से उछाल आया है। यहां तक कि देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने भी इस कारण से अपनी कारों की कीमत बढ़ाई है। इतना ही नहीं, इस बात का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि जब टाटा मोटर्स ने स्टॉक एक्सचेंज को ये जानकारी दी थी पिछले दिनों कि चिप की कमी से वाहनों के निर्माण पर असर पड़ सकता है, तो टाटा मोटर्स के शेयर 10% तक गिर गए थे। आपको बता दें कि ये जो चिप होती है ये एक पोर्ट डिवाइस होता है। इसका उपयोग डेटा रखने में होता है। आजकल सभी मॉडर्न कार्स में भी काफ़ी तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और सर्किट्स दिए जाते हैं। ये सर्किट बहुत सारे फीचर्स की फंक्शनिंग में मदद करते हैं, जिनमें पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज़, क्लाइमेट कंट्रोल, इंफोटेनमेंट सिस्टम और कार के खुद के इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट शामिल होते हैं। इन सब के लिए सेमीकंडक्टर चिप की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और जहाँ तक बात मोबाइल फ़ोन की है तो वो तो इस चिप पर ही निर्भर रहता है। यानी सेमीकंडक्टर चिप्स के आसपास पूरी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की दुनिया घूमती है। अब सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने वाली प्रमुख कंपनियों में कौन कौन है, तो इसमें है इंटेल, सैमसंग, इसके अलावा जो सबसे बड़ी कंपनी है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ब्रॉडकॉम और एनवीडिया। लेकिन ताइवान का इसमें कहा जाता है कि एक छत्र राज है। यही चिप ताइवान की रक्षा भी करती है। कैसे? इसको शील्ड का नाम दिया जाता है, क्योंकि ये ऐसी खास चिप है जिन पर सेमीकंडक्टर सर्किट बनाए जाते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, और ये सिलिकॉन के बने होते हैं, इसलिए इसको सिलिकॉन शील्ड भी कहा जाता है। अब दुनिया के लगभग सभी टेक्नोलॉजिकल उत्पाद इन्हीं चिप्स पर आधारित होते हैं और चीन समेत पूरी दुनिया का बिजनेस इन्हीं चिप पर टिका हुआ है और ताइवान का इस पर एक छत्र राज है। कहते हैं कि चीन की सेना का ताइवान के खिलाफ हमला न करने का एक बड़ा कारण यह भी है कि यदि युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो चीन को सेमीकंडक्टर चिप्स का भारी आर्थिक नुकसान होगा, भारी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ेगी। दुनिया के बाकी देशों की तरह चीन भी ताइवान में बनने वाले एडवांस सेमीकंडक्टर चिप्स पर निर्भर है। तो ये है पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर चिप्स का संकट। इस संकट ने यह सोचने पर मजबूर किया
कि क्या सेमीकंडक्टर चिप्स में हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं, क्या दुनिया के अलग अलग देश अपने अपने यहाँ सेमीकंडक्टर चिप्स बना सकते हैं, अगर हाँ तो क्यों अब तक उनको दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ रहा है, वो भी ताइवान जैसे देश पर। फिलहाल तमाम कंपनियों का कहना है कि अभी तो ये संकट छंटता हुआ नहीं दिख रहा, संभवतः इस साल के अंत में या अगले साल के शुरुआत में इस संकट के कुछ बादल छंटे भी। तो ये था आज का ध्येय पॉडकास्ट। और अब आपके लिए एक सवाल, सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक क्या होता है? बेहद आसान सा सवाल है, कुचालक सुचालक तमाम चीज़ें आप जानते हैं, तो मुझे बताइए सेमीकंडक्टर होता क्या है और आप इस पूरे संकट के बारे में क्या सोचते हैं? आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरा नाम है अंजुम शर्मा, आप ध्येय रेडियो का ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं। इस तरह के और भी पॉडकास्ट सुनने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द हाजिर होंगे एक और नए पॉडकास्ट के साथ। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।